बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी व्याकरण माला का पाठ 17 अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे। पाठ 17 अनुच्छेद लेखन। बच्चों, किसी एक विषय पर कुछ वाक्यों में अपने मन के भाव या विचारों को लिखकर प्रकट करना अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद क्या होता है बच्चों? किसी एक विषय पर कुछ वाक्यों में अपने मन के भाव या विचारों को लिखकर प्रकट करना, उसे अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। अनुच्छेद लेखन से बच्चों की भाषा शक्ति का विकास होता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, जब अनुच्छेद आप लिखोगे तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। वो बातें कौन सी हैं? अनुच्छेद के विषय पर मन में अच्छी तरह विचार करना चाहिए। अनुच्छेद में वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। विचारों एवं भावों का आपस में तालमेल होना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय शब्दों की सीमा का ध्यान रखना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखकर हमें अनुच्छेद लिखना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ एक अनुच्छेद दिया है, रंगों का त्यौहार होली। होली रंगों का त्यौहार है। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप नामक दैत्यराज स्वयं को ईश्वर समझता था। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। दैत्यराज चाहता था कि प्रहलाद विष्णु भगवान की जगह उनकी उपासना करें। प्रहलाद के न मानने पर दैत्यराज ने उन्हें मारने के कई प्रयत्न किए, किंतु वह विफल रहा। अतः में उसने यह कार्य अपनी बहन होलिका को सौंप दिया। उसे वरदान था, होलिका जो थी उसे वरदान था कि वह आग में जल नहीं सकती। ये जो होलिका है, इसे वरदान था कि वह आग में जल नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई, परंतु परिणाम उल्टा होगा। होलिका जल गई तथा प्रहलाद बच गया। तभी से इस घटना की याद में होलिका दहन किया जाता है तथा अगले दिन रंग खेला जाता है। बच्चों, दूसरा अनुच्छेद है वृक्षारोपण। वृक्ष प्रकृति की मूल संपदा है। प्राचीन काल से ही भारत में वृक्षों की देवताओं के समान पूजा होती है। वृक्ष भूमि के कटाव को रोककर भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं तथा वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते रहते हैं, जिसे वातावरण में संतुलन बना रहता है। परंतु जनसंख्या वृद्धि तथा औद्योगिक विकास ने वृक्षों का अंधाधुंध विनाश कर दिया है। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और औद्योगिक बहुत सारे कारखाने, फैक्ट्रीज, इनका विकास हो रहा है, इसीलिए हमारे वृक्षों का विनाश हो रहा है, जिसे प्राकृतिक असंतुलन बढ़ने लगा है। अतः वृक्षों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन महोत्सव का कार्यक्रम तैयार किया गया है, जो जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। सभी सरकारी कार्यालयों और विद्यालयों में प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम व्यापक रूप से मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा पेड़ों के काटने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, किंतु जनता के सहयोग के बिना ये महान कार्य संभव नहीं है। अतः हम सभी को इस पर और जागरूक होना चाहिए। तो बच्चों, वृक्षारोपण पर यह अनुच्छेद है। आप भी इस तरह से अनुच्छेद लिख सकते हैं। तीसरा अनुच्छेद है लाभकारी पशु गाय। भारतीय शास्त्रों में गाय को माता कहकर पुकारा जाता है। गाय विशेषकर हरा चारा और भूसा खाती है। दूध देने वाली गाय को दाना, खली और बिनोली भी खिलाए जाते हैं। गाय प्रायः सभी देशों में पाई जाती है। विदेशी की गाय अधिक दूध देने वाली होती है। हमारे देश में हरियाणा की गाय अधिक दूध देने वाली होती है। गाय का दूध अत्यंत गुणकारी होता है। इससे छाछ, मक्खन, पनीर, घी और चीनी की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। गाय के कुछ बछड़े बड़े होकर खेती के काम आते हैं। गाय के गोबर से उपले व गोबर गैस बनाई जाती है तथा इससे गोबर में उत्तम खाद भी तैयार की जाती है। गाय मानव समाज के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो बच्चों, पशु में गाय का महत्व इस अनुच्छेद में बताया है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। चौथा अनुच्छेद है प्रातःकाल की सैर। प्रातःकाल का वातावरण शुद्धता एवं ताजगी से परिपूर्ण होने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। इस समय चारों ओर बहती शीतल, मंद तथा सुगंधित हवा हमारे रोम रोम में नवस्फूर्ति का संचार कर देती है। हल्की और ताजी धूप में सांस लेने से आलस्य का नाश होता है। इसके अतिरिक्त फूलों पर मंडराती तितलियाँ व भौरे, पेड़ों पर बैठे पक्षियों का कलरव, भांति भांति के रंग बिरंगे फूल तथा चारों ओर फैली हरियाली को देखकर मन प्रफुल्लित व उत्साहित होता है। प्रातःकालीन सैर करने से न केवल हमारा मस्तिष्क तरोताजा रहता है, बल्कि हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और सभी काम सुचारू रूप से नियत समय पर पूरे होने लगते हैं। अतः जो व्यक्ति सुबह के समय आलस की चादर ओढ़कर सोते हैं, उन्हें अपने जीवन में स्वस्थता और स्थिरता लाने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल की सैर अवश्य करनी चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से प्रातःकाल की सैर पर आप लोग अनुच्छेद लिख सकते हैं। चलो, 8 पार्ट को दोहरा लेते हैं।
किसी एक विषय पर कुछ वाक्यों में अपने मन के भाव या विचारों को लेकर प्रकट करना अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद लेखन से बच्चों की भाषा शक्ति का विकास होता है। अनुच्छेद लिखते समय शब्दों की सीमा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपसे कि आपको अनुच्छेद लेखन भी समझ आया होगा। धन्यवाद।